अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमने एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट कर ली है। एक्सरसाइज 1.5 का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैंने तीन मैट्रिक्स राइट किए हैं, तीन पार्ट्स के। अब डिटरमिनेंट क्या था वो क्वेश्चन में देखते हैं हम। तो पहले नंबर पे इस क्वेश्चन का हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अब वो किस तरह फाइंड करना है देखेंगे सॉल्यूशन। अब डिटरमिनेंट को किस तरह डिनोट किया जाता है, किस तरह नोट किया जाता है, अब इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में चेंज करें। लिखें जी डिटरमिनेंट ऑफ ए, इस तरह डिनोटेड किया जाता है डिटरमिनेंट ऑफ ए। इस तरह पढ़ना है डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए या डिटरमिनेंट ए। फिर टू लाइन से दी माइनस वन वन टू जीरो। अब इसमें पढ़ा जाता है डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इस मैट्रिक्स का आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अब वो आपने किस तरह फाइंड करना है डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट आपने माइनस वन को मल्टीप्लाई करना है जीरो से, माइनस वन मल्टीप्लाई जीरो। फिर आपने मल्टीप्लाई करना टू को वन से, टू मल्टीप्लाई वन। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात आपने समझनी है, यहाँ पर हमेशा साइन माइनस का आता है डिटरमिनेंट में। ऑलवेज साइन माइनस, हमेशा साइन माइनस का आ रहा है डिटरमिनेंट में। पहले आपने माइनस वन को जीरो से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस का साइन यूज किया, टू मल्टीप्लाई वन। अब आपने ए डिटरमिनेंट माइनस वन को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो, टू को वन से मल्टीप्लाई किया टू। ए डिटरमिनेंट अब जीरो में माइनस टू किया तो माइनस टू। ये आपका ये है जी डिटरमिनेंट, ये आंसर है। इजी टॉपिक है, वो ध्यान से देख लें। इसी तरह हमारे पास है दूसरा टॉपिक सॉल्यूशन। आपने इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना सी डिटरमिनेंट या डिटरमिनेंट ऑफ सी। इसी तरह थ्री टू थ्री टू। अब आपने जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन में किया इस तरह इधर भी काम करना है, थ्री को टू से मल्टीप्लाई करना है, थ्री मल्टीप्लाई टू। और इधर साइन माइनस का हमेशा मैंने बताया साइन माइनस का आ रहा है, फिर थ्री मल्टीप्लाई टू। अब आपने डिटरमिनेंट सी थ्री टू द सिक्स, थ्री टू द सिक्स और सिक्स में सिक्स माइनस किया, ये आपका जीरो आया आंसर। अब इस तरह इस पार्ट के टोटल चार पार्ट है, मैंने तीन राइट किया और एक पार्ट आप खुद करें। अब ये पार्ट है, फिर आप इसका सॉल्यूशन कर दें। डी डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ डी थ्री टू वन फोर। फिर आपने दोबारा से थ्री को फोर से मल्टीप्लाई करना है, थ्री मल्टीप्लाई फोर, माइनस का साइन वन को टू से, वन मल्टीप्लाई टू। डी डिटरमिनेंट थ्री को फोर से मल्टीप्लाई किया ट्वेल्व, वन को टू से मल्टीप्लाई किया टू और ट्वेल्व में टू माइनस किया टेन। ये जी आंसर है, इधर से ये आंसर है। इस तरह की आपने डिटरमिनेंट करना है, बिल्कुल इजी टॉपिक है तो ये आसान है। अब आपने क्वेश्चन नंबर टू करना है। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर आर नॉन सिंगुलर, सिंगुलर आर नॉन सिंगुलर। अब सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। आपने क्वेश्चन किया जैसा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन में आपने डिटरमिनेंट किया है, डिटरमिनेंट करके आपका आंसर आता है जीरो, तो वो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह आपका आंसर नॉन सिंगुलर क्या होता है जी? ए डिटरमिनेंट या डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल जीरो, जीरो ना आए तो वो आपका आंसर नॉन सिंगुलर होता है। जिसका आंसर ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, जिसका आंसर जीरो आ जाए वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, जिसका आंसर जीरो ना आए, जीरो के अलावा वन आ जाए, टू आ जाए, थ्री आए, जो भी आए, जीरो नहीं आना चाहिए, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। और सिंगुलर जिसका आंसर जीरो आए
वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर क्या होता है जिसका आंसर जीरो ना आए उस दो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसके क्वेश्चन देखिए आप, मेरे पास इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू 2 6 2 4 2 6 2 4। अब इस क्वेश्चन में उसने लिखा आपने बताना है सिंगुलर होता है या नॉन सिंगुलर, तो सिंगुलर से आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए, डिटर्मिनेंट वाला आपने मेथड यूज करना है। अब इसी तरह आपने सॉल्यूशन करना है इसका, ए डिटर्मिनेंट 2 6 2 4। अब आपने उसी तरह 2 × 4 जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन में किया, इधर माइनस का साइन दरमियान में, 2 × 6 2 को 6 से मल्टीप्लाई, ए डिटर्मिनेंट 2 × 4 = 8 और 2 × 6 = 12 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, ए डिटर्मिनेंट और 12 में 8 माइनस किया -4। आप देखें जीरो नहीं आया, तो इसका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नीचे के साथ लिखना है, दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसलिए बस आपने ये चार पार्ट हैं, तो जो आंसर जीरो आ जाए तो वो सिंगुलर है, आंसर जीरो ना आए तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिस तरह किया। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट देखें, पार्ट नंबर डी, पार्ट नंबर डी है 5 − 10 − 2 = 4। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट डी 5 − 10 − 2 = 4 डी डिटर्मिनेंट 5 × 4 और बीच में साइन माइनस का −2 × −10 डी डिटर्मिनेंट 5 × 4 = 20 −20 ये माइनस नीचे राइट किया माइनस माइनस प्लस 2 × 10 = 20 माइनस माइनस प्लस 2 × 10 = 20 सॉरी। अब यहां पर आपने इधर माइनस नहीं था सॉरी इधर माइनस नहीं आना 5 × 4 और 20 में 20 माइनस किया 0 तो ये आपके पास ना सिंगुलर मैट्रिक्स आया, दिस इज 0 आया आंसर। और एक बार याद रखिए मैट्रिक्स का नेम चेंज हो सकता है, तो इसलिए अब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, जब आपका आंसर 0 आ जाए तो वो कौन सा मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। बस इस क्वेश्चन में आपने यही बता रहे हैं, इधर क्वेश्चन दोबारा देख लें 5 × 4 माइनस का साइन −2 × −10 5 × 4 = 20 माइनस माइनस में प्लस 2 × 10 = 20 20 में 20 माइनस किया 0। अब देखने आपने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर समझ लिया, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है जिसका आंसर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, जिसका आंसर 0 आए वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जिसका आंसर ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, जिसका आंसर 0 ना है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब आपने इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट करना है डी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, काफ़ी डिटेल से बात कर रहा हूँ आप, ये लास्ट वाला पार्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, देखें वो आपने किस तरह करना है। अब यहाँ पर फिर दोबारा से सॉल्यूशन, आपने पहले नंबर पर डी, तो डी इनवर्स इज इक्वल टू अर्जाइंट डी और डी डिटर्मिनेंट, ये आपने फार्मूला राइट करना है जिस तरह फर्स्ट टू क्वेश्चन में राइट किया। फिर उसी तरह पहले की तरह पहले आपने डी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डी डिटर्मिनेंट, डी डिटर्मिनेंट। अब आपने लिखना 1/2 3/4 1/2 डी डिटर्मिनेंट 1 × 2 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से और इधर साइन लगाना है माइनस का और 1 को मल्टीप्लाई करना 3/4 से डी डिटर्मिनेंट 2 × 1 = 2 2 × 2 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, पीछे 1 लिखी
वन को थ्री ओवर फोर से मल्टीप्लाई करना, थ्री ओवर फोर, वन ओवर वन, थ्री ओवर फोर, वन वन द वन ओवर वन। अब आपने वन और फोर का, वन और फोर का एलसीएम तो फोर आ जाने, वन और फोर का एलसीएम नहीं आता तो फोर आ जाने। अब ये फोर इस वन से डिवाइड हो रहा है, ये फोर इस डिनोमिनेटर वन से डिवाइड हो रहा है। अब आपने फोर को वन से डिवाइड करना है, वन फोर द फोर, अब इधर फोर आया, जीरो आया ना आंसर फोर के। अब इस फोर को आपने ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है तो फोर वन द फोर आ जाना है। इस दोबारा देखने, इस फोर को इस वन से आपने डिवाइड करना है, वन फोर द फोर, फोर फोर में फोर माइनस के जीरो, और इस फोर को ऊपर वाले न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना। अब इसी तरह इस फोर को इस फोर से डिवाइड करें, दोबारा से फोर को इस फोर से डिवाइड करें, फोर वन द फोर, फिर वन आया। अब इस वन को आपने मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले न्यूमिनेटर थ्री से, तो वन मल्टीप्लाई थ्री, थ्री माइनस थ्री, ये साथ माइनस थ्री आपने राइट कर देना। अब यहाँ पर आपने डिटर्मिनेंट फोर में थ्री माइनस के वन, वन ओवर फोर, तो डिटर्मिनेंट आपके पास आया जी फोर में थ्री माइनस किया वन ओवर फोर, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू वन ओवर फोर। अब आपको फाइंड करना है अडजॉइंट डी, अडजॉइंट डी, अब अडजॉइंट डी आपने करना है, तो अडजॉइंट डी के लिए इसकी प्लेस चेंज मैंने भी समझाया, प्लेस चेंज एंड साइन चेंज। तो अब इसकी प्लेस चेंज के लिए टू इधर आ जाने, वन और टू इधर आ जाने, और इस वाले की साइन चेंज, अब ये प्लस है तो माइनस हो जाने, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाने। अब आपने लास्ट में फार्मूला वैल्यू पुट कर देनी है, डी इनवर्स इज इक्वल टू, सॉरी फार्मूला लिखें अडजॉइंट डी अवर डी डिटर्मिनेंट। अब आपने सॉल्यूशन करना है इसका, वैल्यू पुट करनी है, डी इनवर्स इज इक्वल टू, पहले नंबर पर है अडजॉइंट डी है तो अडजॉइंट डी का आंसर ऐड करें, टू माइनस थ्री और फोर माइनस वन, वन ओवर टू। इसी तरह नीचे है डी डिटर्मिनेंट, डी डिटर्मिनेंट का आंसर है वन ओवर फोर, वन ओवर फोर। अब आपने वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद अब आपने वन ओवर फोर को इस वन ओवर फोर को ऊपर वाले इस साइड डिवाइड करना, डिवाइड करके किस तरह करना लिखना है, इधर पहले है टू, टू डिवाइड वन ओवर फोर, टू डिवाइड वन ओवर फोर, इसी तरह माइनस थ्री ओवर फोर, माइनस थ्री ओवर फोर डिवाइड वन ओवर फोर, इसी तरह माइनस वन है, माइनस वन डिवाइड वन ओवर फोर, फिर इसी तरह वन ओवर टू डिवाइड वन ओवर फोर। आपने इस वन ओवर फोर को ऊपर वाले मैट्रिक्स के साथ सारी एंट्रीज के साथ अलग-अलग से डिवाइड कर देने। अब उसके बाद आपने, अब आपने डी इनवर्स टू डिवाइड चेंज मल्टीप्लाई, अब फोर ऊपर वन नीचे, मीन न्यूमिनेटर नीचे आ जाना डिनोमिनेटर ऊपर, प्ले चेंज हो जाएंगे रेसिप्रोकल। इसी तरह माइनस वन डिवाइड चेंज मल्टीप्लाई, फोर ऊपर वन नीचे, सब में इसी तरह होना है, माइनस थ्री और फोर डिवाइड चेंज मल्टीप्लाई, फोर ऊपर और वन नीचे, वन ओवर टू डिवाइड चेंज मल्टीप्लाई, फोर ऊपर और वन नीचे। इस तरह आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देना, डी इनवर्स। अब इनका सॉल्यूशन करें आप, टू फोर द एट और वन, माइनस वन को फोर से मल्टी, माइनस वन को फोर से माइनस फोर अवर वन, फोर फोर से कट तो माइनस थ्री नीचे अवर वन, टू वन द टू, टू टू द फोर, वन का टू से मल्टीप्लाई किया टू अवर वन। अब लास्ट में आपने आंसर लिखना है, एट ओवर वन एट ही होते, माइनस फोर अवर वन माइनस फोर, इस तरह माइनस थ्री और टू, जी जी आपका आंसर आया। आज हमने 1.3 के पहले तीन क्वेश्चन किए,
बाकी इंशाल्लाह कल हम नहीं करने हैं क्वेश्चन 4, 5, ये दो क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 करने हैं। अब इस वाली एक्सरसाइज का हमारा तीसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक था डिटर्मिनेंट, दूसरा टॉपिक है सिंगुलर नॉन सिंगुलर, अब तीसरा टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये टॉपिक देखिए आपने किस तरह करना है। अब वो क्वेश्चन मैंने राइट किया है तो पहले नंबर पर सॉल्यूशन करते हैं आपने। अब देखिए यहाँ पर जरूरी बात है, इस मैट्रिक्स का नेम क्या है, ए। अब पहले नंबर पर आपने इसका फार्मूला राइट करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। अब वो फार्मूला क्या है हमारे पास, ए इनवर्स, ए इनवर्स, इसे इनवर्स पढ़ा जाता है साइन माइनस वन, ए इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ए इनवर्स इज इक्वल टू अडजॉइंट ए अगर ए डिटर्मिनेंट। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है। जब इसने फाइंड पूछा हो जी फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर दें, तो उसी टाइम आपके जहन में ये फार्मूला आना चाहिए। इधर बी होता फिर बी इनवर्स अडजॉइंट बी बी डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स के नेम चेंज हो सकते हैं लेकिन फार्मूले की फॉर्म यही रहनी है, फार्मूला आपने इसी तरह ही राइट करना है। अब इस फार्मूले में देखा जाए तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, ए डिटर्मिनेंट अडजॉइंट ए। अब पहले नंबर पर आपने इस फार्मूले की दोनों चीज़ें अलहदा अलहदा फाइंड करनी है। तो पहले नंबर पर हम फाइंड करते हैं ए डिटर्मिनेंट। देखें ए डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है जो भी आपने सीखा ए डिटर्मिनेंट। तो ये है ए आपके पास माइनस वन थ्री टू जीरो, ए डिटर्मिनेंट माइनस वन को मल्टीप्लाई करना जीरो से और इधर साइन माइनस का आना लिमिट में, तो मल्टीप्लाई थ्री ए डिटर्मिनेंट। अब माइनस वन को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो, टू को थ्री से सिक्स, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस सिक्स। अब यहाँ पर जरूरी बात समझनी है आपने, आपने ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू किया माइनस सिक्स, जब आपका आंसर नॉन सिंगुलर आए, जब इधर ये आंसर आपका क्या है नॉन सिंगुलर, जो ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर आपने ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है, इसका हल होना है। अगर आपका आंसर सिंगुलर मैट्रिक्स में आ जाता है, सिंगुलर आता है ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, फिर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं हो सकता, क्यों ना उसका जो ए डिटर्मिनेंट है वो जीरो आया। अब जीरो नहीं आया तो इसका मजीद सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए अब आपने ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर दिया, अब आपने फाइंड करना है अडजॉइंट ए, अडजॉइंट ए देखिए फाइंड करते हैं, अडजॉइंट सॉरी पहले ए मैट्रिक्स राइट करें, ये वाला ए मैट्रिक्स, इसका अडजॉइंट फाइंड करना माइनस वन थ्री टू जीरो, माइनस वन थ्री टू जीरो। अब आपने इसका अडजॉइंट फाइंड करना है अडजॉइंट ए, अडजॉइंट ए के लिए ये फॉर्म आप याद कर दें, क्लास का साइन प्लेस चेंज, साइन चेंज, प्लेस चेंज, साइन चेंज, मीन कि इस ये वाली एंट्रीज की प्लेस चेंज होनी है, ये वाली एंट्रीज की प्लेस चेंज होनी है। जीरो अब इधर है तो उसने इधर आ जाने, माइनस वन इधर है तो उसने इधर आ जाना, अभी वो नीचे कर दें। अब जीरो है तो प्लेस चेंज के तो जीरो इधर आ जाने, क्यों माइनस वन है तो माइनस वन इधर आ जाने, ये प्लेस चेंज की, प्लेस चेंज करनी है। इस तरह इस वाले के साइन चेंज करने, ये मैंने लिखने एस सी साइन चेंज, पी सी प्लेस चेंज। अब इसके साइन चेंज कर दिए, सिर्फ साइन प्लेस नहीं। अब जिसके साथ कुछ ना हो प्लस होता है वो माइनस हो जाने, और जिसके साथ कुछ ना हो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। इस वाले मेथड को अडजॉइंट कहते हैं, अडजॉइंट। दोबारा देख लें, प्लेस चेंज है साइन चेंज, इस वाले प्लेस चेंज की जीरो इधर माइनस वन इधर, ये हमने किया इधर। अब इस वाले साइन चेंज प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब आपने लास्ट में फार्मूला हमने राइट किया हुआ है, अब लास्ट में दोबारा से आपने फार्मूला राइट करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, ए इनवर्स अडजॉइंट ए ए डिटर्मिनेंट। अब आपने इनकी वैल्यू पुट करनी है, अडजॉइंट पहले नंबर पर अडजॉइंट ए, अब देखिए अडजॉइंट ए का मैट्रिक्स ये है हमारे पास, अडजॉइंट ए इज इक्वल टू
जीरो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन। अब फॉर्मूले में ऊपर पहले जेंटी है तो जेंटी का मैट्रिक्स राइट करें, जीरो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन। इसी तरह अगर ए डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट का आंसर ये है हमारे पास माइनस सिक्स है, अब ए डिटर्मिनेंट को माइनस सिक्स लिखे। अब ये दोनों अमाउंट आपस में डिवाइड हो रही है, अगर का साइन है डिवाइड, डिवाइड करिए आप इसे ए इनवर्स डिवाइड करते हैं। अब इस माइनस सिक्स को इस वाले मैट्रिक्स से डिवाइड करना, लिखना है जीरो डिवाइड माइनस सिक्स, इसी तरह माइनस थ्री डिवाइड माइनस सिक्स, इसी तरह माइनस टू डिवाइड माइनस सिक्स, इस तरह माइनस वन डिवाइड माइनस सिक्स। इस माइनस सिक्स को सब इस एंटीज के साथ आपने डिवाइड करना है। अब एक इनवर्स लास्ट में आंसर लिख देंगे इसका, जीरो को जब डिवाइड करना माइनस सिक्स से जीरो आना, माइनस माइनस से कैंसिल, थ्री वन द थ्री, थ्री टू द सिक्स, वन ओवर टू आया। इस तरह माइनस माइनस से कैंसिल, टू वन द टू, टू थ्री द सिक्स, वन ओवर थ्री आया, माइनस माइनस से कैंसिल, वन ओवर सिक्स आया। ये है जी आपका आंसर, और इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आपने क्वेश्चन थ्री का तीसरा पार्ट करना जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसा पहले पार्ट में आपने फार्मूला राइट किया है, इस तरह इधर भी आपने पहले फार्मूला राइट करना है। देखें जी सॉल्यूशन में फार्मूला हमारे पास अब सी है, अब आपने लिखना है सी इनवर्स, सी इनवर्स इज इक्वल टू अर्जाइंट सी अवर सी डिटर्मिनेंट। मैंने पहले भी बताया था मैट्रिक्स का जो नेम है वही उसी का आपने इनवर्स राइट करना है। अब आपने सी इनवर्स इज इक्वल टू अर्जाइंट सी सी डिटर्मिनेंट, फिर दोबारा से पहले नंबर पर आपने सी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। वो मैंने बताया था आपको सी डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड होता है, सी डिटर्मिनेंट, सी डिटर्मिनेंट में माइनस टू सिक्स थ्री माइनस नाइन। अब आपने दोबारा से माइनस टू को मल्टीप्लाई किया माइनस नाइन से, माइनस टू मल्टीप्लाई है माइनस नाइन, और इधर से माइनस का थ्री मल्टीप्लाई सिक्स, थ्री मल्टीप्लाई सिक्स, सी डिटर्मिनेंट माइनस माइनस प्लस, टू नाइन द एटीन माइनस और थ्री सिक्स एटीन। अब यहाँ पर सी डिटर्मिनेंट 18 में 18 माइनस किया जीरो, 18 में 18 माइनस किया जीरो। अब देखा जाए तो ये हमारा डिटर्मिनेंट सिंगुलर मैट्रिक्स आया है जिसका आंसर जीरो आता है। अब ये फिर किस क्वेश्चन का अर्जाइंट आप फाइंड नहीं कर सकते, ये नॉट पॉसिबल है। अब आपने राइट करना है यहाँ पर, आपने लिखने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ह्यूना के सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। रीजन लिख दी सी डिटर्मिनेंट इज जीरो, जीरो है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, तो सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो।